झालावाड़ जिले के डक कस्बे में पुलिस ने फिर गोवंश की तस्करी करते हुए दो पिकअप एस्कॉर्ट कर रही एक ओमनी वैन सहित तीन अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी बन्ना लाल चौधरी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जीरापुर मध्य प्रदेश की तरफ से तीन पिकअप गाड़ियों में गोवंश भरा हुआ है एवं एक ओमनी वैन कार आगे चलकर पिकअप गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए डक की तरफ आ रहे हैं। इस पर पुलिस ने जीरापुर की तरफ से आ रही पिकअप ओमनी वैन का पीछा किया तो चालकों ने गाड़ियों को मोड़कर वापस भवानी मंडी की तरफ जाने पर जिसका पीछा किया जो गांव गुनाई के पास जाकर दोनों पिकअप गाड़ियां व मारुति वैन पलटी खा गई, जिस पर ग्रामीणों की मदद से कुल तीन व्यक्तियों को पकड़ 17 गोवंश बरामद किए जिनमें से दो गोवंश मृत मिले। ओमनी वैन कार चालक सोनू ने बताया कि रिजवान पुत्र बाबू खान जाति मुसलमान कई दिनों से जाने वाली गाड़ियों के आगे चलकर एस्कॉर्ट कर पुलिस थाना इलाका पार करते हैं। पिकअप चालक इसके बदले में हमें गाड़ी से 800 रुपए देते हैं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा 38/2021 धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्व गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बताएं सर क्या मामला है? आज दिनांक 4/2/2021 की सुबह हमें जरी मुखबिर सूचना मिली कि 3-4 पिकअप गाड़ी और एक मारुति वैन जो उन पिकअप के आगे आगे चलकर उनका एस्कॉर्ट कर रही है, उन पिकअप में अवैध गोवंश भरा हुआ है। इस पर हमारी टीम ने इनका पीछा किया तो यहाँ तहसील के आसपास ही आके इन्होंने वापस घुमा ली गाड़ियाँ। जैसे ही घुमाते ही उन वैन से एक आदमी उतर भाग गया। हमने गाड़ियों का जब पीछा किया तो ये आगे जाकर गांव गुनाई में पलटी खा गई और ग्रामीणों की मदद से हमने दो आदमी एक पिकअप से और एक मारुति वैन से कुल तीन आदमियों को डिटेन किया, जिनके नाम इस प्रकार है: मुकीम खां, दूसरा गोविंद, तीसरा अमीर खां निवासी डग। ये तीनों, इनमें से दो आदमी एक पिकअप के फरार हो गए। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गोवंश में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।